हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रियाज और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल रियाज इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो है मेरी सीबीएसई 12th क्लास के बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स फेस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 1 जिसका नाम है माय मदर एट 66 उसके बारे में बताऊंगा, उसकी समरी बताऊंगा, स्टैंजा और स्टैंजा उसका मीनिंग बताऊंगा और वीडियो के एंड में उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो भी बताऊंगा। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दैट एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम मी। सो लेट्स बिगिन। पोएम की स्टोरी बेसिकली यह है कि एक पोएट है जिनका नाम है कमला दास। वो अपने होम टाउन विजिट करती हैं अपनी माँ से मिलने के लिए। तो जब वो वहां से वापस लौट रही होती हैं तो उनकी माँ उनके साथ आती है एयरपोर्ट तक उन्हें सी ऑफ करने के लिए। तो रस्ते में जब वो अपनी माँ की तरफ देखते हैं तो उन्हें अपनी माँ का चेहरा काफी डल नजर आता है, काफी बुजुर्ग नजर आती है। तो उन्हें इस चीज का बहुत एहसास होता है। तो इस चीज को नजरअंदाज करने के लिए वो बाहर देखती है, यंग ट्रीज की तरफ देखती है, मुस्कुराते हुए बच्चों को देखती है जो उन्हें पास्ट की याद दिलाते हैं, यूथ की याद दिलाते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद जब वो अपनी माँ की तरफ दोबारा देखती है उन्हें गुड बाय कहने के लिए, तो उन्हें अपनी माँ का चेहरा वैसे ही डल नजर आता है। तो उन्हें बहुत एहसास होता है और उन्हें अपने बचपन के एक डर की याद आ जाती है कि उनका बचपन में डर था कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे और ये कहते हुए मुस्कुराते हुए चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी पोएम की स्टोरी। अब मैं आपको इस पोएम का स्टैंजा टू स्टैंजा, लाइन टू लाइन इस पोएम का मीनिंग भी समझा देता हूँ। इसमें पहली लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसका मतलब है अपनी माँ के यहाँ से, अपने पेरेंट्स के यहाँ से वो कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसमें अगली लाइन है, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोर्स ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं देखती हूँ कि मेरी माँ मेरे बराबर में है। डोज डोज का मतलब होता है झपकी लेना, यानी वो थोड़ी सी नींद ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका फेस ऐसा हो गया था जैसे एक कॉर्प्स का होता है, यानी कि एक शव का होता है। जब इंसान मर जाता है तो उसका फेस जैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, वैसा उनका फेस हो चुका था। एंड रियलाइज विद पेन डेट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और उन्हें दर्द से ये एहसास हुआ कि उनकी माँ इतनी बुजुर्ग हो चुकी है जितनी वो दिख रही है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। इसका मतलब है यानी फिर उन्होंने फौरन ही उस सोच को अलग कर दिया, उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी यंग ट्रीज की तरफ देखा जो बाहर पीछे की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। एंड मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चों को देखा जो मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल रहे थे। इसके बाद जो स्टैंजा आता है वो है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर वान पेल एज अ लेट विंटर्स मून। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा, उनका चेहरा फीका पड़ चुका था, पीला पड़ चुका था, जैसे सर्दियों का चांद होता है वैसा। अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं, इसमें पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, यानी कि उन्हें पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। वो दर्द क्या था? वो है माय चाइल्डहुड फियर, यानी उनके बचपन का डर था। आगे देखते हैं क्या हुआ। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, यानी सिर्फ पोएट ने इतना ही कहा कि हम दोबारा मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी सिर्फ स्माइल की उन्होंने, स्माइल करते हुए वो चली गई। और इस स्माइल के पीछे उनका एक डर छुपा हुआ था, उनके बचपन का डर कि वो कहीं अपनी माँ को खो ना दें। आइए इसमें कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो आ सकता है इसमें वो है, हु इज आई इन द पोएम। इसका क्या आंसर करोगे? इसका आंसर करोगे आप, आई इन द अबव लाइंस इज द पोएटेस कमला दास। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड आई रियलाइज विद पेन। पोएट को, यानी कि आई जो है वो पोएट है, उन्हें दर्द से किस बात का एहसास हुआ? तो इसका आंसर होगा, आई रियलाइज विद पेन दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड एंड कुड डाई। आई को, यानी पोएट को, इस चीज का एहसास हुआ कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और वो कभी भी मर सकती है उन्हें अकेला छोड़कर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है, वेयर वॉज द पोएट गोइंग। द पोएट वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट वेयर शी हैज टू टेक द फ्लाइट, यानी पोएट कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही थी जहां से उन्हें फ्लाइट लेनी थी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो है, विच थॉट डिड द पोएट पुट अवे। वो कौन सी सोच थी, कौन सा विचार था जिसको पोएट ने अपने से दूर किया? इसका आंसर होगा, द थॉट डेट द पोएट पुट अवे वॉज द फियर दैट शी वुड लूज हर मदर। इसका मतलब है वो सोच जिसको पोएट ने अपने से दूर किया वो उनका डर था कि कहीं वो अपनी माँ को खो न दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज एशन लाइक अ कॉप्स मीन। इसका मतलब है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस फ्रेज का मतलब क्या है। फ्रेज कौन सा है? वो फ्रेज है एशन लाइक अ कॉप्स मीन। एशन लाइक अ कॉप्स मीन का मतलब है कि एक मुर्दे की तरह पीला पड़ जाना चेहरे का, ग्रेइश पड़ जाना, रक्तहीन हो जाना चेहरे का। इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, इसका आंसर कैसे देंगे आप? इसका आंसर दोगे आप इस तरह से, द फ्रेज एशन लाइक अ कॉप्स मीन अ पेल एंड ग्रेइश फेस दैट सीम्स लाइफलेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो चेहरा जो पीला पड़ चुका है, ग्रेइश पड़ चुका है, जिसमें जिंदगी नजर नहीं आती, लाइफलेस नजर आता है, विदाउट लाइफ नजर आता है, उसको हम एशन लाइक अ कॉप्स बोलते हैं। लास्ट स्टैंजा में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो है, वॉट वॉज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, या फिर कुछ इस तरह से आ सकता है, वॉट वॉज द चाइल्डहुड फियर दैट नाउ ट्रबल्ड द पोएट।
वो कौन सा फियर था, वो कौन सा डर था जो पोएट को अब सताने लगा है? इसका आंसर होगा, एज अ चाइल्ड द पोएट वॉज इनसिक्योर अबाउट लूजिंग हर मदर एंड दैट फियर हैड कम अगेन नाउ व्हेन हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड। इसका मतलब है कि बचपन में पोएट को इनसिक्योरिटी थी कि कहीं वो अपनी माँ को खो न दे, और जब उन्होंने अपनी माँ को अब बूढ़ा होते हुए देखा है तो उनका ये डर वापस आ गया है। लास्ट लाइन से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल, या फिर व्हाट डज द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल मीन, मतलब स्माइल वर्ड जो यूज हुआ है रिपीटेडली उसका क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, द पोएट स्माइल एंड स्माइल एज शी वांटेड टू हाइड हर फियर्स बीनीथ हर स्माइल। मतलब पोएट इसलिए स्माइल कर रही थी क्योंकि वो अपने स्माइल के नीचे अपने पेन को छुपा रही थी, अपने दर्द को छुपा रही थी। अगर इसका आंसर ये भी हो सकता है, द रिपीटेड यूसेज ऑफ द वर्ड स्माइल मींस दैट द पोएट कीप्स ऑन स्माइलिंग इन ऑर्डर टू हाइड हर ट्रू फीलिंग्स ऑफ द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। फर्स्ट स्टैंजा से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइंस, मतलब फिगर ऑफ स्पीच बताइए जो इन लाइंस में यूज हुई है। इसका आंसर होगा, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइंस इज सिमिली। सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, जैसे पोएट ने अपनी माँ के डल चेहरे को लेट विंटर के मून से कंपेयर किया है, कभी डेड बॉडी से कॉप से उन्होंने इसको कंपेयर किया है। तो दोस्तों सिमिली वही फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको इस पोएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नई वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।